हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ एंजल और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले क्लास सिक्स इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 जो कि है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। इस चैप्टर में हम कल्पना चावला के बारे में बात करने वाले हैं। कल्पना चावला इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी जो पहली बार स्पेस में गई थी। वो इंडियन तो थी, उसके साथ साथ अमेरिकन वो बाद में बन गई थी, तो वो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन थी जो स्पेस में गई थी। वो स्पेस में फिर कहाँ गई थी, कैसे गई थी? वो स्पेस में गई थी नासा की मदद से। जो कल्पना चावला थी वो नासा में काम करती थी, वो अमेरिका में, जैसे इंडिया के अंदर इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, उसी तरीके से नासा है। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये अमेरिका की है, ये स्पेस में ये सारे स्पेस की चीज़ों से डील करती है, स्पेस की साइंटिफिक रिसर्च से। तो जो कल्पना चावला है वो यहाँ पे काम करती थी। नासा के एक मिशन गया बनाया था नासा के लोगों ने, वो मिशन था हमारा यूएस स्पेस शटल कोलंबिया प्रोग्राम। ये उस प्रोग्राम का नाम था जिसका कल्पना चावला पार्ट बनी थी। इस प्रोग्राम का क्या रोल था कि इनको आसमान में जाना था और वहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने थे, देखने के लिए कि कुछ चीज़ें कैसे आसमान में रिएक्ट करती, जैसे कि आसमान में पानी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने से पानी को बॉयल करना आसमान में, मतलब स्पेस शटल के अंदर, और प्लांट्स उगा के देखना, और फिर ये देखना कि वो जो प्लांट है वो किस तरीके से उगते हैं, क्योंकि स्पेस में कोई ग्रेविटी वगैरह तो है नहीं। तो उस प्रोग्राम का कल्पना चावला पार्ट बनी थी। पहली बार जब कल्पना चावला इस प्रोग्राम में गई थी तो वो फर्स्ट टाइम तो बहुत अच्छे से वापस भी आ गई थी। उसके बाद एक और बार ये जो प्रोग्राम है ये वापस गया दोबारा से। इसका जो पार्ट 2 था वो यही यूएस स्पेस शटल कोलंबिया प्रोग्राम पार्ट 2, जब ये दोबारा स्पेस में, उसमें भी कल्पना चावला उनका एक पार्ट थी। करीबन 7 लोग थे इंक्लूडिंग कल्पना चावला, और इनका एक इंटरनेशनल क्रू था, अलग अलग देशों से लोग आए हुए, तो उन्होंने एक टीम बनाई थी और ये लोग स्पेस में गए थे। जब ये लोग वापस आ रहे थे उस टाइम पे, जैसे ही वो धरती पे आने वाले थे, उनका जो कनेक्शन था वो यहाँ के स्पेस सेंटर से नासा की टूट गया। उसकी थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि वो वहाँ फट गया था, वो जैसे ही वो धरती के एटमोसफेयर लेवल पर आया था जो स्पेस था शटल थी, और फिर जैसे ही वो ग्राउंड को टच करा वो क्रैश हो गया और सब लोगों की डेथ हो गई। टोटल 7 लोगों की डेथ हुई थी और उनमें से एक हमारी कल्पना चावला थी। तो हम ये कह सकते हैं कि कल्पना चावला करीबन 2 बार स्पेस में गई थी। एक बार वो सेफली लैंड हुई, लेकिन दूसरी बार जब वो वापस आई तो उसकी डेथ हो गई थी कल्पना चावला की। इसमें हम ये बात करें कल्पना चावला जो बनी वो कैसे बनी, कैसे कल्पना चावला की एस्ट्रोनॉट बनी, कैसे कल्पना चावला इंडिया से अमेरिका गई, और कैसे इंडिया से अमेरिका जाके वो नासा का पार्ट बनी, हम ये सब देखने वाले हैं। सबसे पहले ये सब पढ़ते हैं। अ स्पेस शटल इज़ अ स्पेस क्राफ्ट दैट इज़ मेड फॉर रिपीटेड स्पेस ट्रेवल्स। अब जो स्पेस शटल है वो एक स्पेस क्राफ्ट है। स्पेस क्राफ्ट क्या होते हैं? वो सारी गैजेट्स मशीन्स जो स्पेस से डील करते हैं, उनको स्पेस क्राफ्ट कहते हैं। अब वो एक स्पेस शटल है वो होती है जो बनाई जाती है रिपीटेड स्पेस ट्रेवल्स के लिए, ताकि वो एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बार बार स्पेस में आ जा सके। रॉकेट जो होता है वो एक बार जाता है और एक बार जाने के बाद वो टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, वो वेस्ट हो जाता है। अब स्पेस शटल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आगे पीछे ट्रैवलिंग करने का, अर्थ से स्पेस स्टेशन के बीच। अब आप जानते होंगे हमारा इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम है, स्पेस स्टेशन है वहाँ ऊपर ISS, वहाँ पे हर साल बहुत सारे एस्ट्रोनॉट जाते हैं, काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, और फिर वो वापस आते हैं। वो हमेशा चलता रहता है, उसको करीबन 3 देशों के कोलैबोरेशन ने मिलके बनाया हुआ है। वो वहाँ पे स्पेस में रहता है, वो कभी नीचे नहीं आता, उसको धीरे धीरे करके बहुत सालों में 20-30 सालों में उसको असेंबल करा गया स्पेस स्टेशन को वहाँ पे ऊपर, वो हमेशा रहता है। Using a dictionary to do a task below. Find out the meaning of the following words and phrases. अब इनके मतलब क्या है? Naturalize का क्या मतलब है? क्या है स्पेस का मतलब? क्या है फ्रंटियर का क्या मतलब? क्या है अबोर्ड का क्या मतलब? क्या है और लिफ्ट ऑफ
और क्रू का मतलब क्या है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है, अभी कमेंट सेक्शन में जाके लिखो अगर आपको पता है या नहीं पता। अगर पता है तो लिख दो, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं भी बता दूंगी, तो वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है। सो अब मैं बताने वाली हूँ, अगर नहीं करी तो वीडियो को दोबारा पॉज कर देना। नेचुरलाइज का मतलब होता है कि जैसे बन जाना, जैसे कल्पना चावला पहले इंडियन थी, फिर वो अमेरिका में जाके एक अमेरिकन सिटीज़न बन जाती है। वो कैसे बन जाती है हम आगे देखेंगे, लेकिन जब हम एक सिटीजनशिप से दूसरे सिटीजनशिप लेते हैं तो उसको नेचुरलाइज कहते हैं, कि हम जब किसी और जगह के सिटीजन बन जाते हैं उसको नेचुरलाइज कहते हैं, वो न हो जाना। स्पेस वही हमारा स्पेस, जहाँ पे हम गैलेक्सीज़ हैं, हमारा सोलर सिस्टम है, स्टार्स मून्स वगैरह सब है, उसको स्पेस कहते हैं। फ्रंटियर क्या होता है? फ्रंटियर होता है उन चुनिंदा लोगों में से एक जो सबसे पहले लोग थे। फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस मतलब कल्पना चावला उन पहले लोगों में से एक है जो स्पेस में गए थे, तो उनको फ्रंटियर कहते हैं, जो सबसे पहले जाने वाले, सबसे पहले लोग, सबसे पहले चुनिंदा करे गए लोग। अबोर्ड का क्या मतलब होता है? निकलना, जैसे कहते हैं ना कि ट्रेन ऑल अबोर्ड, मतलब जैसे ट्रेन जो होती है वो ऑल अबोर्ड वहाँ निकलने वाली है, और जाना, इन सारी चीज़ों को अबोर्ड कहते हैं। अबोर्ड मतलब कि जो चीज़ है वो जाने वाली है, निकलने वाली है। ट्रेन्स अबोर्ड करती हैं मतलब वो निकलने वाली हैं, एयरप्लेन अबोर्ड करते हैं मतलब वो चलने वाले हैं और दोबारा फ्लाई करने वाले हैं। उसी तरीके से जो स्पेस की जो रॉकेट्स शटल्स होगी ये भी अबोर्ड करते होंगे। लिफ्ट ऑफ और टेक ऑफ, टेक ऑफ, टेक ऑफ क्या करता है और लिफ्ट ऑफ क्या करता है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। लगता है कि दोनों सेम है, लिफ्ट ऑफ टेक ऑफ, लेकिन स्टूडेंट्स जो टेक ऑफ होता है ना वो करता है एयरप्लेन, एयरप्लेन या एरोप्लेन, वो टेक ऑफ करता है। ऐसे टेक ऑफ करते ना हम, पहले वो चलता है चलता है चलता है फिर वो उड़ता है ना, लेकिन जो स्पेस शटल होता है वो लिफ्ट ऑफ करता है, मतलब रॉकेट लगा होता है यहाँ, रॉकेट के ऊपर ये स्पेस शटल होती है। अब रॉकेट सीधा ऊपर जाता है, ठीक है, वो टेढ़ा नहीं जाता जैसे वो जाता है एयरप्लेन, वो पहले चलता नहीं और फिर वह ऊपर जाता है, जो रॉकेट होता है वो सीधा ऊपर जाता है। तो इसका मतलब लिफ्ट ऑफ मतलब सीधा ऊपर, टेक ऑफ मतलब थोड़ा हॉरिजॉन्टली ऐसे निकलना, ये फ़र्क होता है दोनों में। अब क्रू का क्या मतलब था? क्रू का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप या छोटा सा लोगों का समूह, ठीक है, जिसमें तीन चार पाँच छः मेम्बर्स होते हैं, उसको क्रू कहते हैं। नोटिस द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स इन द लेसन, एयरप्लेन प्रोग्राम, दिस इज़ हाउ द वर्ड्स आर स्पेल्ड इन अमेरिकन इंग्लिश। ओके, अब हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक हमारे पास एयरप्लेन और एक हमारे पास प्रोग्राम। सो इस तरीके से ब्रिटिश इंग्लिश, इस तरीके से अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है। अब इंग्लिश भी बहुत टाइप की होती है स्टूडेंट्स, हमारे पास होती है एक तो ब्रिटिश इंग्लिश, एक हमारे पास होती है अमेरिकन इंग्लिश, एक हमारे पास होती है ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, ओके, और एक अभी कुछ दिनों पहले ही, कुछ दिनों पहले नहीं, कुछ सालों से है, अब हमारे पास है, यहाँ लिख देते हैं इंडियन इंग्लिश। ये इस दुनिया के कुछ बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं। ब्रिटिश का मतलब होता है जो पूरे यूरोप में रहने वाले लोग हैं, अमेरिका का मतलब जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और इंडिया जो इंडिया में रहते हैं। अभी कुछ चुनिंदा कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो इंग्लिश बोलती है। इंडिया में बहुत करोड़ों लोग इंग्लिश बोलते हैं, ब्रिटिश में करोड़ों लोग इंग्लिश बोलते हैं, अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी। इस कारण से जो ये चार मेन एक्सेंट हैं इंग्लिश के इस दुनिया के अंदर, और इन चारों जगहों में कुछ इंग्लिश के वर्ड्स जो एक जगह बोले जाते हैं दूसरी जगह नहीं बोले जाते, और कुछ जगहों पर एक जगह के हिसाब से थोड़ा अलग वर्ड्स हैं, राइट। जैसे इंडिया में ब्लैंकेट बोलते हैं, जो इंडिया में जैसे कंबल है, इंडिया में कंबल को क्या ब्लैंकेट बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में कंबल को ड्यूवे कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में उसको कंफर्टर कहते हैं, और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में भी उसको कवर अप्स कहते हैं, कवर कहते हैं उनको, ऑस्ट्रेलिया में उसको कवर कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में उसको कंफर्टर कहते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में उसको ड्यूवे कहते हैं, और इंडियन इंग्लिश में उसको ब्लैंकेट कहते हैं, जबकि एक ही बात है। सो ये फ़र्क होता है थोड़ा बहुत। और जैसे इंडिया में जिसको हम वो कहते हैं, वो नहीं, बहुत सारे एग्जांपल मुझे अभी दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन हाँ, अब अमेरिकन इंग्लिश में एयरप्लेन बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में एयरप्लेन बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं एरोप्लेन,
एरोप्लेन कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। और एक और चीज़ भी है, जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में कैंडी बोलते हैं, नहीं ब्रिटिश इंग्लिश में टॉफ़ी कहते हैं, TOFFEE, टॉफ़ी कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, और अमेरिकन इंग्लिश में कैंडी कहते हैं। हम इंडियन लोग दोनों यूज़ करते हैं, कभी कभी हम टॉफ़ी बोलते हैं, कभी कभी हम कैंडी बोलते हैं, राइट, कॉमन है इंडिया में। और ब्रिटिश इंग्लिश में हम बोलते हैं बिस्किट्स, राइट, बिस्किट्स। और अमेरिकन इंग्लिश में सेम चीज़ को कहते हैं कुकीज़। अब हम इंडियंस भी दोनों चीज़ें ही बोलते हैं, कभी कभी हम कुछ को बिस्किट्स कहते हैं, कुछ को कुकीज़ कहते हैं, राइट। तो हम हमारे इंडिया में सब मिक्सड अप है, बट वहाँ पे डिफरेंस है। और एक और चीज़ भी है, एक और एग्जांपल देते फिर आगे बढ़ते हैं। जो ब्रिटिश इंग्लिश है वहाँ पे बोलते हैं ट्राउज़र्स, ट्राउज़र्स जो पैंट्स वगैरह होते हैं उनको ट्राउज़र्स कहते हैं, एक्चुअली ट्राउज़र्स कहते हैं उन्हें। और अमेरिकन इंग्लिश में उनको पैंट्स कहते हैं, ट्राउज़र्स कहते हैं, पैंट्स कहते हैं। हाँ, इंडिया में तो दोनों ही बोलते हैं। और एक और चीज़ भी होती है, ट्राउज़र्स के साथ साथ ब्रिटिश इंग्लिश में इनको ब्रीचेस भी कहते हैं, ब्रीचेस जो पैंट्स वगैरह होती है, और अमेरिकन इंग्लिश में उनको पैंट्स कहते हैं। सो ये कुछ बात चीज़ें वर्ड्स होते हैं जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं, राइट। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमारी जो ब्रिटिश इंग्लिश में उसमें प्रोग्राम को क्या कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें तो प्रोग्राम कहते हैं, जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है उसमें प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में करके बताना। अब हम देखते हैं, ट्रेजेडी इन स्पेस, US स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। अब हम ये न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ते हैं, एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, US स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडियन बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर्स ब्रोक अपार्ट इनटू फ्लेम्स एज इट स्ट्रिक्ट ओवर टेक्सास टुवर्ड्स इट्स लैंडिंग स्ट्रिप ऑन सैटरडे 1 फरवरी 2003 किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड। सो एक अनप्रेसिडेंटेड का मतलब एक ऐसी घटना जिसका किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था, वो ट्रेजेडी का मतलब कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। किसके साथ हुई? US स्पेस शटल कोलंबिया के साथ, जिसमें कल्पना चावला थी और 6 और लोग थे, जो ब्रोक अपार्ट इनटू फ्लेम्स, मतलब वो ब्रोक अपार्ट इनटू फ्लेम्स मतलब ब्लास्ट हो गया, वो जो पूरी स्पेस शटल थी वो टूट गई। इट स्ट्रीक्ट मतलब, स्ट्रीक्ट मतलब होता है पहुँचना, मतलब कहाँ तक वो सफ़र करते हुए, मतलब जो जैसे ही वो फटी उसके बाद वो कहाँ तक वो सफ़र करते 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 आसमान में कहाँ तक पहुँची, टेक्सास तक पहुँची थी, जहाँ उसको लैंड करना था वो वहीं पहुँची थी। कहाँ पे, कौन से दिन पे? 1 फरवरी 2003 को, जिस दिन उसने सारे के सारे जितने भी 7 लोग थे उन सबको मार दिया था, उनकी डेथ हो गई। द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा करीबन 9 बजे करीब एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, जब वो लैंड करने वाली थी। इट वॉज फ्लाइंग एट एन अल्टरनेट एट एन एटीट्यूड और ओवर 2000 feet, करीबन 2 लाख feet की ऊंचाइयों पे वो उड़ रही थी, ऊपर थी, जब वो कनेक्शन टूट गया था। ट्रैवलिंग एट 20,000 kilometers per hour, और वो कितनी स्पीड पे चल रही थी? करीबन 20,000 kilometers per hour। व्हेन ग्राउंड लॉस्ट कंट्रोल विद द शटल, अब वो ये तो वो करीबन 2 लाख feet की ऊंचाई पे थी और करीबन 20,000 kilometers per hour की स्पीड से चल रही थी, जब उसने जो नीचे हेडक्वार्टर होता है वहाँ से स्पेस शटल का कॉन्टैक्ट जो था वो टूट गया था। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003, जो कोलंबिया जो स्पेस शटल है कब निकली थी? करीबन 16 जनवरी 2003 को। कहाँ से निकली थी? फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। इट स्टेड इन द ऑर्बिट फॉर 16 days एंड 7 क्रू मेम्बर्स कंडक्टेड 80 experiments बिफोर इट बिगिन डाउनवर्ड्स जर्नी। करीबन 16 दिनों तक वो लोग वहाँ थे आसमान में, करीबन उन्होंने 80 experiments कंडक्ट करे थे, विच एंडेड इन अ ट्रेजेडी आने से पहले। दिस वॉज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट एंड द गुड शटल वॉज सेट टू बी गुड फॉर 100 flights। अब जो ये कोलंबिया की जो ये स्पेस शटल थी ना, ये जो फ्लाइट थी ये इसकी 28वीं फ्लाइट थी, मतलब करीबन जो ये कोलंबिया स्पेस शटल है करीबन ये धरती से वहाँ, फिर वहाँ से यहाँ, फिर दोबारा से धरती से ऊपर, फिर वहाँ धरती से नीचे, करीबन ये 28 बार आ चुकी थी। ये 28वीं फ्लाइट थी जब वो ब्लास्ट हो गई थी और उसमें जितने भी लोग थे वो मर गए थे जब वो आ रहे थे।
कहा गया था नासा की ओर से कि करीबन 100 फ्लाइट्स ले सकता है, करीबन 100 बार ऊपर नीचे कर सकता है, पर कितनी बार करा उसने, करीबन 28। तो अब हम कल्पना चावला के बारे में पढ़ते हैं, ये पूरी एक न्यूज़ रिपोर्ट थी जो हमने पढ़ी। कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम एज अ चाइल्ड इन करनाल दैट शी वुल क्रॉस द फ्रंटियर ऑफ द स्पेस। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग स्कूल आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम तंजोर स्कूल। अब जो कल्पना चावला, उसने कभी सपना भी नहीं देखा था कि वो यहाँ तक पहुँचेगी। वो कहाँ पैदा हुई थी, करनाल में पैदा हुई थी। करनाल कहाँ है स्टूडेंट्स, करनाल है हरियाणा में। एक्चुअली स्टूडेंट्स मैं भी करनाल में पैदा हुई हूँ, तो मुझे बड़ा खुशी होती है जब मैं कल्पना चावला के बारे में पढ़ती हूँ, सोचती हूँ कि लाइक मैं भी करनाल में पैदा हुई हूँ। एंड दैट शी विल क्रॉस द फ्रंटियर ऑफ द स्पेस, और वो जो आसमान है, जो स्पेस है, उसके बॉर्डर्स को टच करेगी। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज। वो सोचती है कि ये उसके लिए इतना इनफ था कि उसकी पेरेंट्स ने उसको अलाउ कर दिया कि वो एक इंजीनियरिंग स्कूल को अटेंड कर पाए। कहाँ से, जब उसने ग्रेजुएट करा, मतलब अपनी 12th क्लास कंप्लीट करी तंजोर स्कूल से। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट ऑपोजिशन फ्रॉम हर फादर, शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, अब उसने अपनी बैचलर कंप्लीट करी कल्पना चावला ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। उसके फादर इसके अपोजिशन में थे कि कल्पना चावला को ये डिग्री नहीं लेनी चाहिए, लेकिन तो भी कल्पना चावला ने ली। और उसके बाद वो सीधा एक एमए करने के लिए, जब हम बैचलर डिग्री कर देते, जब हम बीए करते हैं, बीए के बाद सीधा क्या होता है, एमए होता है, मास्टर लेते हैं। तो एमए करने के लिए कहाँ गए, अमेरिका चली गई वो। शी लेटर अर्नड हर पीएचडी इन एयरोस्पेस इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद उसने बाद में अपनी पीएचडी भी करी एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कार्निवल एट फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। अब जो कल्पना चावला पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन थी जिसने इस टेस्ट को पास करा था और इस मिशन को कंडक्ट करा था, जो कहाँ लोगों को आसमान में ले जाते हैं, जो एस्ट्रोनॉट बनने का जो मिशन होता है। कल्पना चावला फर्स्ट इंडियन अमेरिकन थी। हर फैमिली फ्रॉम केरला चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ एट कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। सो उसकी जो फैमिली थी वो उस स्टाफ के साथ जो कैनेडी स्पेस सेंटर में थे, वहाँ उन्होंने देखा कि कैसे कल्पना चावला का जो कोलंबिया मिशन था उसमें वो फर्स्ट टाइम वो कैसे आसमान में गई। कल्पना चावला वॉज बोर्न इन करनाल हरियाणा में पैदा हुई थी, बट वॉज अ नेचुरलाइज US सिटीजन मैरिड टू अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन। सो कल्पना चावला तो इंडियन थी, लेकिन वो बाद में जब उसने एक US सिटीजन से, एक US में रहने वाले इंसान बंदे से शादी कर ली, जो कि था एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर था जिसका नाम था जीन पेरी हैरिसन। उसके बाद जब हम, अब अमेरिका में एक रूल है कि जब हम किसी अमेरिकन से शादी कर लेते हैं ना, तो हमारी चाहे जो भी सिटीजनशिप हो, हमें अमेरिका की भी सिटीजनशिप मिल जाती है। सो इस कारण से जो कल्पना चावला, उसे भी अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई थी। बिसाइड बींग एन एस्ट्रोनॉट शी वॉज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स। अब जो कल्पना चावला है उसके, वो एक एस्ट्रोनॉट तो थी। अब एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ कल्पना चावला के पास एक लाइसेंस भी था एयरप्लेन्स उड़ाने का, सिंगल इंजन एयरप्लेन्स को भी और मल्टी इंजन एयरप्लेन्स को भी। सिंगल इंजन एयरप्लेन वो होते जो छोटे छोटे से नहीं होते हैं, जैसे क्रॉप प्लेन्स होते हैं जिनके ऊपर छोटे प्लेन्स होते हैं, उनको उड़ाने का भी, और जो बड़े वाले प्लेन्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे इंजन होते हैं उनको उड़ाने का, दोनों को लाइसेंस था। उसको सिंगल इंजन एयरप्लेन, जैसे कि सी प्लेन जो पानी में उड़ते हैं, और ग्लाइडर्स वगैरह इन सबको उड़ाने का। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वो एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी, एंड क्वालिफाइंग एज अ पायलट, इस कारण से वो एक पायलट भी थी। कल्पना बिगेन हर टू कंसिडर अनदर चैलेंज अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। लेकिन एक पायलट होने के बावजूद, एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर होने के बावजूद, उसके बाद इतनी सारी चीज़ें लाइफ में अचीव करने के बावजूद भी कल्पना चावला एक और चैलेंज लेना चाहती थी अपनी लाइफ में, और वो ये था कि वो नासा का जो स्पेस शटल प्रोग्राम है वहाँ पे वो अप्लाई करें। अब हम आगे देखते हैं।
शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। सबसे पहले तो जो कल्पना चावला, जैसे वो नासा में एंटर हुई, सबसे पहले उसको एक रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर रखा गया था। इन 1994 शी वॉज सेलेक्टेड बाई दी नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। 1994 में उसको नासा ने कहा कि वह एक एस्ट्रोनॉट बनने की तैयारी करें। When asked it what it was like being a woman in her field, she replied, जब वो कहते हैं, जब उनसे पूछा गया था कि वो उनको कैसा फील होता है कि वो एक लेडी हैं जिस फील्ड में वो काम करे, तो उनको कैसा फील होता है, तब कल्पना चावला ने रिप्लाई करा, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. I pretty much had my dream like anyone else and I followed them. And people who were around me fortunately always encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on. वो कहती हैं कि मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि जो मैं डिग्री, जो मैं चीज़ें कर रही हूँ, जो मैं पढ़ाइयाँ कर रही हूँ, जो मैं चीज़ें कंप्लीट कर रही हूँ, कि मैं एक औरत हूँ ये सब कर रही हूँ, या मैं एक ऐसे पर्सन जो काफ़ी छोटी जगह से बिलोंग करता है, छोटी स्टेट से या सिटी से बिलोंग करती है, या किसी और देश से बिलोंग करती है, मैं एक ऐसी जगह से बिलोंग करती हूँ, मैंने कभी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा, मैं अपने सपनों को फॉलो कर रही, जैसे हर कोई अपने सपनों को फॉलो कर रहा है। एंड पीपल जो मेरे आसपास थे, वो उन्होंने हमेशा, मैं और उसके लिए बहुत किस्मत वाली हूँ कि उन्होंने मेरी हमेशा साथ दी, और उन्होंने कहा कि जो भी तुम करना चाहती हो, अगर यही है तुम करना चाहती हो तो तुम करती रहो। कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलम्बिया वॉज 15 days 16 hours and 32 minutes लॉन्ग। अब जो कल्पना का फर्स्ट मिशन था वो इतना देर दिनों तक चला। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ करीबन 252 टाइम्स धरती का चक्कर लगाया था कल्पना चावला जिस स्पेस शटल में थी, एंड ट्रैवलिंग 10.45 million kilometers। और उस टाइम पे वो कितना ट्रैवल कर रही थी, जब भी इतनी बार वो धरती का चक्कर लगाई थी, 10.45 million kilometers। द क्र्यू इंक्लूडिंग अ जापनीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, करीबन एक उसमें से क्र्यू में एक जापनीज और यूक्रेन एस्ट्रोनॉट भी था। द क्र्यू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग फ्लावर्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, टेस्टिंग फॉर मेकिंग स्मॉलर मेटल्स एंड फास्ट कंप्यूटर चिप्स। वो उसमें बहुत सारी चीज़ें वो लोग ऑब्जर्व करते कि कैसे खाना उगाना है, कैसे हम ज़्यादा ताकतवर मेटल लोग बना सकते हैं, किस तरीके से हम ज़्यादा तेज़ भागने वाले कंप्यूटर की माइक्रोचिप्स बना सकते हैं, और इसमें कितना प्राइस टैग था, मतलब जो जितने भी चीज़ें और थी मिशंस, वो एक्सपेरिमेंट्स करते कितने खर्चा करा इन सारे मिशनों ने, करीबन $56 million का। अब 1 million में स्टूडेंट्स करीबन 10 लाख होते हैं, 1 million में स्टूडेंट्स करीबन 10 लाख होते हैं रुपए। सो आप मुझे बताओ करें, 56 million यानी कितने हो गए, कितने लाख हो गए, 1 billion में 10 लाख होते तो टोटल कितने, 56 million कितने लाखों रुपए का खर्चा हुआ, कमेंट करके बताना। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ। जब सैटरडे की रात कोई न्यूज़ आई कि जो कोलंबिया है उसमें वो फट गया है, वो जो रॉकेट है, जो स्पेस शटल है, जब वो लैंडिंग कर रहे थे, हर कोई हैरान हो गया था। स्टूडेंट्स उस टाइम में जब ये हुआ था, जब कल्पना चावला की जो स्पेस शटल थी, जब न्यूज़ आती थी कॉन्टैक्ट टूट गया, और फिर उसके बाद उस टाइम पे यहाँ पे रात हो रही थी, और मैं उस टाइम पे पैदा नहीं हुई थी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो मेरी घर में मेरी फैमिली वगैरह थी, तो वो मुझे बता दी कि मैं अपनी कि मैं उस टाइम पे मैं पैदा नहीं थी, पर मेरे पेरेंट्स थे और वो मुझे बता रहे थे कि कैसे वहाँ उस टाइम पे वो रात भर जागे रहे थे और सच में देख रहे थे कि कैसे कल्पना चावला का रॉकेट लैंड हो गया। और वो बहुत दुखी बात थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी करनाल के हैं और मैं भी करनाल की, तब नहीं थी मैं, पर रियलिटी में सच में करनाल का बहुत बुरा हाल हुआ था जब ये कल्पना चावला की डेथ हुई थी। द टाउन ऑफ द करनाल स्पेंड अ स्लीपनेस नाइट एंड थाउजेंड्स ऑफ द हाउस होल्ड स्टे ग्लूड टू द टेलीविजन सेट्स इन द होप दैट कल्पना चावला एंड हिज क्रू हैज समहाउ सर्वाइव्ड। यस, सब लोग नज़र लगाए हुए थे टीवी की ओर, लाइक कि अब न्यूज़ आएगी, अब कौन सी हाईलाइट आएगी, अब क्या चीज़ आएगी, कल्पना चावला बची या नहीं बची। बट सच बात तो यही थी स्टूडेंट्स की, जैसे ही स्पेस शटल यहाँ धरती के कॉन्टैक्ट में आया था, और जैसे ही वो एटमोसफेयर में आया था, वो फट गया था, उन लोगों की तभी मौत हो गई थी। तो वो बहुत बुरी बात है। आर जर्नलिस्ट रोड शी वॉज अ हीरोइन।
इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. यू नीड टू नो अलॉट अबाउट एवरी थिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एयरनॉटिकल इंजीनियरिंग. इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव एन इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट. हर अचीवमेंट इज अस्पायरिंग. ओके, एक एक जर्नलिस्ट यानी एक पत्रकार लिखता है कि वो एक हीरोइन थी. हीरोइन मतलब जैसे एक हीरोइन में क्या होता है, एक मूवी में आपने देखा ना, एक लड़की होती है तो वो एक जर्नी में जाती है और चीज़ें डिस्कवर करती है और लोगों को बचाती है और नई नई बातें सीखती है, एक एडवेंचर पे जाती है. उसी तरीके से कल्पना चावला एक हीरोइन थी. एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, हर एक फील्ड में होनी चाहिए. आपको साइंस के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए. आपको उस उन फील्डों के बारे में पता होना चाहिए जिनका मे बी आपको यूज़ भी नहीं होगा एस्ट्रोनॉट में, पर आपको जैसे लिखा हुआ है एयरनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, पता नहीं किन किन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए. इंजीनियरिंग आपको आनी चाहिए, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग आनी चाहिए, आपको पता नहीं क्या क्या आना चाहिए एस्ट्रोनॉट बनने के लिए. और कल्पना चावला ने ये सब अचीव करा और इस अचीवमेंट को देख के हम सबको मतलब हमें विश्वास नहीं हो सकता कैसे कल्पना चावला ने ये सब अचीव करा. For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. अब जो कल्पना चावला की जो स्टोरी है कल्पना चावला के बारे में, ये एक चीज़ है जिसने इंडिया के पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लड़कियों को इंस्पायर करा है. कि कल्पना चावला जैसी एक नॉर्मल लड़की छोटे से शहर की, हरियाणा जैसे स्टेट की जहाँ पे लड़कियाँ बहुत कम हैं, वहाँ पे कल्पना चावला ने एक ऐसी चीज़ अचीव कर ली है तो हर कोई कर सकता है. इन अ मैसेज दैट इज शी सेंट फ्रॉम अब्रोड द स्पेस शटल कोलंबिया टू द स्टूडेंट ऑफ अर्थ द कॉलेज इन चंडीगढ़, कल्पना सेड. और फिर कल्पना चावला जब एक बार स्पेस में थी तो वहाँ से उसने एक मैसेज भेजा था अपनी स्टूडेंट्स को जो चंडीगढ़ के कॉलेज में थे. द पाथ फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस डज एग्जिस्ट. वो कहती है कि अपने सपनों को सच करने की राह, अचीव करने की राह, सक्सेस पाने की राह एग्जिस्ट करती है. मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट. मे कि वो अपने स्टूडेंट को कहते हैं कि मे तुम्हारे पास वो विजन हो, वो थॉट हो, मतलब आइडिया हो कि तुम उसको पूरा कर पाओगे. द करेज टू गेट ऑन इट. और उसका तुम्हारे पास हिम्मत होनी चाहिए उस पर टिके रहने के लिए. विशिंग यू आर ग्रेट जर्नी. मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम्हारी जो जर्नी है, जो तुम्हारे सपने अचीव करने की हो, ये बहुत ग्रेट हो. There will surely be many who start off this on this journey to fulfill their dreams. और सच में बहुत सारे लोग होंगे जो कल्पना चावला की ये स्टोरी देख के अपने ड्रीम सपनों को पूरे करने की राह पे चलेंगे. सो इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है. स्टोरी ये एक रियल लाइफ इवेंट है स्टूडेंट्स, ये कोई स्टोरी नहीं. अगर हम ऐसे कहें स्टोरी, ये सच में हुआ था. कल्पना चावला एक सच में एक लेडी थी कल्पना चावला नाम की, जो एग्जिस्ट करती थी. ज़्यादा पुरानी बात ये नहीं है स्टूडेंट्स, मुश्किल से 20 साल हुए हैं इस बात को, 19-20 साल हुए हैं कल्पना चावला की डेथ को. लेकिन कल्पना चावला एक ऐसी पर्सन है जिसकी अब डेथ हो चुकी है, लेकिन उसकी करीबन डेथ को 20 साल हो गए, लेकिन अभी भी लोग उसको भुला नहीं पाए हैं, ना कभी भुला पाएंगे और ना ही भुलाना चाहिए. क्योंकि कल्पना चावला उन लोगों में से एक है जिसने हमें इंस्पायर करा है कि लड़कियां कर सकती हैं हर चीज़. और इस वीडियो में वो देखने भी, जो भी लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो भी बच्चे हैं, आप सब लोग चीज़ें अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में. आप बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हो. टेंशन नहीं लेनी, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, हमें क्या पता कितनी सारी प्रॉब्लम्स कल्पना चावला को सहन करनी पड़ी होंगी चीज़ों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने में. लेकिन एंड दी एंड कल्पना चावला ने कभी हार नहीं मानी और इस कारण से उसने अपने सारे सपने पूरे कर लिए. सो आप लोग भी ऐसे अपने सपने पूरे कर सकते हो. सो इस नोट पे स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग. और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं.